जय श्री राम, जय मां पीतांबरा। मित्रों, स्वागत है आप सभी का शंखना चैनल पर। इस ऑनगोइंग केतु महादशा सीरीज में पहले के वीडियोस में हमने ये समझा कि केतु एनर्जी आखिर है क्या, हमसे चाहती क्या है और केतु महादशा को सरवाइव कैसे किया जाए, क्योंकि कभी कभी इस पीरियड में बहुत परेशानी होती है और ये बात बस वही समझ सकता है जो इस कठिन महादशा से गुजरा हो और इसमें होने वाली दिक्कतों को जिसने झेला हो। हालांकि पिछली कुछ वीडियोस में हम उन आजमाए हुए उपायों पर भी चर्चा कर रहे हैं जो इस चैलेंजिंग महादशा में वाकई काम करते हैं। देखिए, एक सवाल जो दर्शक बार बार पूछ रहे हैं कि आपने इतने सारे उपाय बताए हैं, क्या ये सभी करने हैं? तो देखिए, ये तो जाहिर सी बात है कि सभी उपायों को करना संभव नहीं होता एक इंसान के लिए। हालांकि फिर भी मेरा फर्ज है कि जो भी आजमाए हुए उपाय हैं, जो मैंने खुद किए हैं, मुझे गुरुओं के द्वारा प्राप्त हुए हैं, वो मैं मेरे दर्शकों के साथ शेयर करूं। अब ये आपके ऊपर है कि इसमें से क्या आपको सूट करता है करना और अपनी परिस्थितियों के हिसाब से, अपनी जरूरतों के हिसाब से इन उपायों में से आप कोई भी चुन सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूसली करने की कोशिश करें। जैसे कि उदाहरण के लिए, यदि केतु महादशा में आपको कोई बहुत बड़ा काम फंस गया है या आप किसी भारी मुसीबत में हो, तो ये ध्वज वाला उपाय करके देखें। इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। इसे मैंने मेरी पिछली वीडियो में शेयर किया था। इसके अलावा केतु पीरियड में मानसिक शांति और साधना पथ पर आगे बढ़ने के लिए ये वाला उपाय करके देखें। इन जनरल भी शादी ब्याह, संतान प्राप्ति और अन्य सांसारिक कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए भी मैंने कुछ बहुत सरल रेमेडीज शेयर किए हैं। आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं, सबकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज भी मैं आपको एक बहुत ही इजी रेमेडी बता रही हूँ, जिससे ना सिर्फ आपका केतु बल्कि बृहस्पति दोनों के शुभ फलों में जबरदस्त इम्प्रूवमेंट आएगा। केतु के अलावा यदि जुपिटर की महादशा, अंधदशा या गोचर चल रहा है आपका, तो आप इस उपाय को जरूर करें। देखिए, केतु पीरियड में क्या होता है ना कि लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करते। आप मेहनत पूरी करेंगे पर आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा, क्रेडिट कोई और चुरा के ले जाएगा, लोग आपकी बात पहले तो सुनेंगे ही नहीं, या अगर सुन भी ले तो कुछ खास तवज्जो नहीं देंगे। ड्यूरिंग केतु महादशा पीपल डोंट रियली सीम टू एक्नॉलेज यू एज अ पर्सन और इवन योर गुड एफर्ट्स। तो यदि केतु महादशा में आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि पूरी मेहनत करने के बाद भी आपको वर्क प्लेस पे रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, काम आप कर रहे हैं और उसका क्रेडिट कोई और ले जा रहा है, आपकी बातों को लोग सीरियसली नहीं लेते या ध्यान से सुनते नहीं, या फेस पर्सनैलिटी एकदम डल पड़ गई है, तो ये वीडियो आप जरूर देखें। देखिए, केतु का मेन मोटिव ही है कि आपका मन काम धंधे, लोगों से, सजने सवरने से खिन्न हो जाए, ताकि आप सब कुछ त्याग कर साधना और अध्यात्म के रास्ते पर चल पड़े। तो जो आज का उपाय है, इससे आपकी बृहस्पति बहुत मजबूत होंगे। देखिए, बृहस्पति गुरु है और केतु उनका चेला। यदि आपकी बृहस्पति स्ट्रांग है तो केतु को उसकी महादशा, अंतरदशा और गोचर में उतनी उथल पुथल या उत्पात मचाने नहीं देते। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा विनम्र निवेदन है आपसे कि यदि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज उसे लाइक करें, शेयर करें। क्या होता है ना, मैं वीडियोस डालती हूँ और उस पर एंगेजमेंट नहीं मिलता तो मुझे समझ भी नहीं आता कि मेरा कंटेंट आप पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हमारे जैसे छोटे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत डीमोटिवेटिंग होता है और इसी वजह से कई सारे लोग वीडियोस बनाना भी बंद कर देते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि मेरे वीडियोज़ आते रहें तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट्स के थ्रू बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। देखिए, हमारे वेदों में केसर को सोने के समान बताया गया है। कई बार जब स्वर्ण धारण करने या दान करने की क्षमता इंसान नहीं रखता तो वहाँ केसर का प्रयोग और दान बताया जाता है। बृहस्पति का तो ये मेन पदार्थ ही है, लेकिन केतु को शुभ करने में भी ये बहुत ही अच्छे फल देता है। तो आपको क्या करना है, आप एक अच्छी क्वालिटी का केसर लीजिए। मैं अधिकतर ये जलाराम ब्रांड का या एवरेस्ट ब्रांड का केसर यूज करती हूँ और ये बहुत जरूरी है कि आप अच्छी क्वालिटी का केसर ही इस्तेमाल करें, वरना आपका उपाय काम नहीं करेगा। अक्सर लोग आर्टिफिशियल कलर लगाकर नकली चीज बेचते हैं मार्केट में, तो आपको ऐसे लोगों से बच के रहना है और सिर्फ ब्रांडेड केसर ही लें। अब तिलक बनाने के दो तरीके होते हैं। एक जो मैं पहले करती थी कि कुछ धागे लेकर उन्हें एक कटोरी में गंगा जल की सहायता से भिगो कर छोड़ दिया और उसके बाद जब उसका अर्क निकल जाए तो उसका तिलक किया। हालांकि ऐसा मैंने देखा है कि इससे केसर बहुत वेस्ट होता है, क्योंकि जब रंग निकल जाता है तो उसके धागों का रेसिड्यू बचता है जिसे हम फेंक देते हैं।
और इस प्रकार से जो एसेंस निकलता है उसका तिलक इतना चटक नहीं दिखता। इसलिए मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ जो बहुत इफेक्टिव है और इससे आपका केसर बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा और कलर तो बहुत ही प्यारा आएगा। तो हम एक ऐसा इमाम दस्ता या खरल लेंगे, जो भी इसको आपके एरिया में बोलते हैं। ये आपको किसी भी बर्तन की शॉप पर या किसी ऐसी शॉप पे मिलेगा जहाँ पे मार्बल का सामान बनता है, या आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अमेजोन की। अब इसमें हम कुछ सैफ्रॉन के धागे डालेंगे और इसे जितना बारीक हो सकता है पीस लेंगे। मैं इसे हालांकि हल्का दरदरा ही पसंद करती हूँ। तो देखिए ये हमारा पाउडर रेडी हो गया। अब इसे एक कटोरी में हम निकाल लेते हैं। अब इसमें कुछ बूंदे हम गंगा जल की मिलाएंगे। देखिए इस तरह से केसर आपका एकदम भी वेस्ट नहीं होगा, कोई रेसिड्यू नहीं बचेगा। बस गंगा जल मिलाकर इसे 5 मिनट के लिए सोख होने के लिए छोड़ दें और बहुत ही प्यारा कलर निकल कर आता है। अब इसे कैसे, कब और कहाँ कहाँ लगाना है ये जान लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रातःकाल स्नान करने के बाद केसर का तिलक धारण करना श्रेष्ठ बताया गया है। तो जो हमारी अनामिका उंगली है यानी कि रिंग फिंगर, उसकी सहायता से इसे हल्का सा घुमाएंगे। यहाँ पर मैं मेरे पतिदेव को तिलक लगा रही हूँ, आप देखिए। पहले दोनों भवों यानी कि ब्राउज के बीच में लगाएंगे, उसके बाद कानों के उस हिस्से पर जहाँ पर पुराने लोग और ऋषि मुनि कुंडल पहनते थे यानी कि ईयर लोब्स। देखिए हमारे कान केतु के ही कारक हैं, इसीलिए जब केतु बहुत ज्यादा परेशान करता है तो कानों में सोना पहनने के लिए बताया जाता है। और यदि पुरुष जातक कान में सोना नहीं पहन पाते हैं तो ईयर लोब्स पर केसर का तिलक अवश्य ही लगाएं, ये सेम इफेक्ट देगा। कानों के बाद कंठ में और अंत में नाभि पर केसर का तिलक लगाएं। जी हाँ, नाभि पर लगाना है। जिन्हें केतु महादशा में संतान प्राप्ति में दिक्कत आ रही है या पेट या प्राइवेट पार्ट्स में कोई बीमारी है, उनके लिए नाभि पर केसर का तिलक लगाना बहुत फायदेमंद है। नाभि को टच करने के बाद आप अपना हाथ धो लें, वापस कटोरी में मत डालें। अब इस घोले हुए केसर को बस आप ही यूज करें, जहां तक हो किसी के साथ इसे शेयर न करें और थोड़ा ही बनाएं तिलक, ताकि 2-3 दिन में ये खत्म हो जाए और उसके बाद फिर नया बनाइए। अपने इस्तेमाल किए गए तिलक से भगवान को तिलक ना करें, उनके लिए अलग से बनाइए जो सिर्फ उनके लिए ही हो। तो ये तो हो गया केसर का तिलक धारण करने का तरीका। अब इसे कितने दिनों तक करना है, देखिए अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए किसी भी गुरुवार से इसे प्रारंभ करें और लगातार 44 डेज तक प्रतिदिन लगाएं। महिलाएं यदि पीरियड्स में भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे लगा सकते हैं। यू कैन कंटिन्यू अप्लाइंग इट। बस अपना केसर घोलकर अलग रखिए, किसी से शेयर मत कीजिए। वैसे यदि केतु और गुरु की आपकी महादशा चल रही है तो बस प्रतिदिन लगाते रहें। मेक इट अ पार्ट ऑफ योर एवरीडे रूटीन फॉर ऑस्पिशियस आउटकम्स। जब आप इसे प्रतिदिन लगाते जाएंगे, धीरे धीरे केतु से संबंधित दिक्कतें कम होती जाएंगी, आपकी पर्सनैलिटी पे एक अट्रैक्शन आएगा और ऑरा क्लेंस भी होगा। जिन लोगों को नेगेटिव विचार आते हैं, डर लगता है, नजर लग जाती है या ऊपरी बाधा है, उन्हें तो इसे बिल्कुल आजमाना चाहिए। तो मित्रों ये था केतु और गुरु महादशा में केसर का तिलक धारण करने का सही तरीका। इसे आप जरूर आजमाएं, आपको डिफरेंस दिखेगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। और शंखना चैनल के द्वारा किए जा रहे समाज सेवा कार्यों में यदि आप अपना योगदान देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जीपे नंबर पर कर सकते हैं। आपके द्वारा भेजा गया छोटे से छोटा अमाउंट भी गौ माताओं और कुष्ठ रोगियों के भोजन और दवाओं में काम आएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय मां पीताम।